आइए सुनते हैं रस्किन बॉन द्वारा रचित एक लोक कथा, 40 भाइयों की पहाड़ी, कथा श्रुति की आवाज में। कई साल पहले कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों में एक धनी किसान रहता था जिसका नाम ध्रुव था। हालांकि उसके पास बहुत सारी भेड़ें और मवेशी थे, लेकिन वह और उसकी पत्नी दोनों दुखी थे क्योंकि उनके विवाह के बाद से बच्चे पैदा नहीं हुए थे। उनकी प्रार्थनाएं संतों, पीरों और साधुओं की प्रार्थनाएं भी बेकार चली गई थीं। उनका कोई परिणाम नहीं निकलता था। एक दिन सफ़र से थका हुआ एक पीर गांव में से होकर गुजरा। वह श्रीनगर में बागों और मेवे के उद्यानों के बीच आराम करने के रास्ते में था। जब वह द्रूस के एक टेंट के पास से गुजर रहा था, पीर ने आवाज़ लगाई, अल्लाह के नाम पर अपनी खैरात मुझे दे दो, मेरे पास ना तो गोश्त है और ना ही रोटी का एक टुकड़ा है। लेकिन ध्रुव ने जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी के हर दिन दयालु रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक बेटे का वरदान नहीं मिला है, इसलिए मैं भी तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। जैसे जन्नत ने मना कर दिया, उसे कौन मंजूर कर सकता है, पीर ने निढाल होते हुए कहा और दूसरे टेंट की तरफ चल दिया। लेकिन पीर का युवा शिष्य जो पीछे आ रहा था ने आश्वस्त होकर अनुभव किया कि उसके पास दुखी दंपति को संतुष्ट करने की शक्ति थी। उसने 40 कंकर इकट्ठे करके बिना बच्चे वाली स्त्री के गोद में रख दिए और उसे आशीर्वाद दिया। निर्धारित समय पर उस स्त्री ने पूरे 40 बेटों को जन्म दिया, सबको एक ही समय में। धूस बहुत परेशान और चिंतित हो गया। उसे विश्वास हो गया कि वह इतने सारे बच्चों को नहीं पाल सकेगा, हम 40 बच्चों के लिए रोटी नहीं जुटा सकते। वह अपनी पत्नी से बोला, इसलिए केवल एक चीज़ है जो हम कर सकते हैं, अपनी पसंद के एक लड़के को रख ले और शेष 39 को एक जंगल में ले जाएं और उन्हें वहीं छोड़ दें। हमारी कठिन परिस्थितियों से निकलने का और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए एक को छोड़कर सभी बच्चे पहाड़ों पर ले जाए गए और भेड़ियों की दया पर वहीं छोड़ दिए गए। उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया गया था। लेकिन एक दिन पहाड़ियों में अपनी भेड़ों के झुंड को चराते हुए एक गरड़िए को एक हिरण का खास व्यवहार उन चट्टानों और बोल्डरों की तरफ ले गया जिन्होंने एक कंदरा का मुख बंद कर रखा था। वहां उसने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जंगली ट्यूलिपों के बीच खेलते हुए इधर से उधर दौड़ रहे थे। गरड़िया लड़का डर गया, ये बच्चे कौन हो सकते हैं? उसने आश्चर्य से सोचा, ये इस निर्जन इलाके में कैसे आए? शाम को उसने अपने अनुभव के बारे में अपने पिता को बताया और वह खबर ऐसी फैली जैसे उसे हवा ने फैलाया हो। अंततः यह बात ध्रुव तक भी पहुंची। वह फौरन समझ गया कि उस निर्जन क्षेत्र में खेलने वाले बच्चे उसके अपने थे। कई महीनों से वह पछता रहा था और दुखी था, लेकिन अब वह खुशी से झूम उठा। वह उस पहाड़ी की तरफ दौड़ा जहाँ उन्हें देखा गया था। उसने वहाँ देखा कि वे नन्हे नन्हे बच्चे जंगली जैतून और पिस्ता के पेड़ों के बीच छुपा छुपी खेल रहे थे। सभी बच्चे एक दूसरे से मिलते थे और बहुत सुंदर थे, लेकिन अजनबियों से शर्माते थे। जब ध्रुव उनसे बोला तो वे दौड़ गए और खुद को गुफा में छुपा लिया। उसने एक दिन और एक रात का इंतज़ार किया, लेकिन वे अपने छुपने के स्थान से बाहर नहीं आए और वह भारी मन से अपने घर को वापस लौट गया। उसकी पत्नी, जिसका दिल अपने खोए हुए बच्चों की चाह में दुखी हो रहा था, ने एक अन्य पीर से सलाह ली जिसने कहा, उनके भाई को ले जाओ जिसे तुमने अपने पास रख लिया था, उसे लेकर उस पहाड़ी पर जाओ जहाँ वे खेलते हैं। जब वहाँ पहुँचो तो उसे नीचे उतार देना और खुद छुप जाना। ममता से अभिभूत माँ ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था, और सच में वही हुआ। बच्चे उसके प्यारे से बेटे के साथ खेलने के लिए बाहर आ गए। नन्हे अजनबी और उसकी मधुर आवाज़ से आकर्षित होकर वे उसके पीछे पीछे अपने माँ के पास आ गए, जिसने उन्हें गले से लगाया और उन्हें मिठाइयाँ दी, और जल्द ही बिना किसी कठिनाई के वह उन्हें उनके घर तक लाने में सफल हो गई। ध्रुव बच्चों को वापस पाकर इतना खुश था कि उसने गरीबों को उपहार और भोजन बांटा और गांव में संगीत तथा भोज का आयोजन किया। उसने सभी 40 बच्चों को नमाज अदा करना और पवित्र किताबें पढ़ना सिखाया, लेकिन अल्लाह का फरमान यह था कि देवदूत अजराइल एक ही समय में 40 की सांस ले ले। सारे 40 बच्चे अचानक एक ही दिन मर गए। पूरे गांव में मातम छा गया और लगातार 3 दिन और 3 रात तक दुहाई की गई। अंतिम संस्कार में भाग लेने आए अनेक मित्रों के लिए भोजन तैयार किया गया। उसके बाद 40 भाइयों को उस पहाड़ी पर ले जाया गया जहां वे पाए गए थे
और सुनसान क्षेत्र में उसी पहाड़ी पर उन्हें दफना दिया गया जहाँ वे जंगली ट्यूलिपों के बीच खेलते थे। और आज के दिन तक बच्चे अभी भी रहस्यमय पर्वत पर घूमते हैं जिसे कुह चहल तान यानी 40 भाइयों की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आशा है आपको यह लोक कथा पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।